ऐसी जगह से टर्न है जहाँ से हम लोग को लगेगा क्या रही है अब हम लोग देहरादून से मसूरी के रास्ते में हैं और बहुत अच्छा ये सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा लग इसलिए भी लग रहा है ज़्यादा कि अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं वेकेशन पे और सबके साथ कुछ टाइम गुजारना ये सब बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए तो वैसे भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत दिनों बाद नदीम आते हैं और हम चार लोग एक साथ इकट्ठा हो पाते हैं। और अभी यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है लखनऊ में, तो वैसे भी फिर पहाड़ी इलाका ही होता है कि चलो कहीं पहाड़ पर चलते हैं। और मसूरी बहुत अच्छा है, तो बस ये व्लॉग अब मसूरी का ही समझ लीजिए। तो देहरादून के रास्ते पे हम लोग सब बातें वातें करते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताना था कि ये जो हमज़ा कार चला रहा है वो रेंट पर हमने ली है। ये उन लोगों के लिए है जो जाना चाहते हैं, और होता है ना कि ड्राइविंग आती है और कैसे जाएं, बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों को नहीं पता होती हैं। तो हमने कहा थोड़ी सी डिटेल बता दें। हम लोग लखनऊ से देहरादून तक ट्रेन से गए थे और देहरादून से हम लोगों ने ऑनलाइन जस्ट डायल पर ही सर्च किया था। तो अभी हम लोग देहरादून पे नहीं रुके हैं, मसूरी के रास्ते में कुछ चाय नाश्ता करना था तो यहाँ रुक गए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, रानिया पहली बार पहाड़ों पे आई वो बहुत खुश है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक मसूरी का व्लॉग अलग स्टार्ट होगा, तो चलिए पहले सलाम दुआ करते हैं। बाकी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक है। मेन रोड पर है और हम लोग जाएंगे, एक था ये बरकत और ये है एक चाय ठेका। वो रहे हमज़ा भाई और हम लोगों के वो जो हमने बनाए थे, क्या बनाया था, हाँ आलू पराठे हमज़ा ने खाया लेकिन और किसी ने नहीं खाए क्योंकि लंच ले लिया था। ये हैं यहाँ पर शायरियाँ भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इतनी मेहनत करो कि दिन कह सके ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो चाय पीने जाना है। चाय दूसरी ऐसी चीज़ है जिसकी आँख खुलती है धोखा अभी भी नंबर वन पर है, इसका नाम है चाय ठेका। आँख मजनू हो तो चाय भी लैला लगती है, वाह चाय लवर, चाय के बाद दूसरा रंग तुम्हारा है, जो मुझे सांवला अच्छा लगता है, वाह वाह क्या बात है। तो फाइनली हम लोग एक जगह रुक रहे हैं और मेरे पराठे स्वागत किए जा रहे थे, मतलब इतने खराब थे। ये कहा ये नहीं खाएंगे, हमसा कुछ चीज़ की तबीयत ठीक नहीं है, दवा तो ये उनके पराठे हैं, उधर मेरे पराठे हैं। इतनी छोटी सी बॉटल ये मिक्स अचार की है और छोटा सा वो दिखाना पाउच, क्योंकि हम लोग क्या सब लोग को ये ज़रूर चाहिए होता है सॉस पराठे के साथ। बाकी दही भी लेकर आए हैं हम लोग। ये हम लोगों का हो गया नाश्ता। रानिया कैसा है? मुझे तो गुड के नॉट तो रानिया चाय नहीं पी रही है, उनके लिए मुझे तो आया है। हम लोग की चाय आ गई है और पराठा अचार सब चल रहा है। दही क्या है? आप लोग के मस्सा एक जैसे खूब रश है, वही
छुट्टियाँ, समर वेकेशन, मतलब बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं अभी, ICSE सबका बोर्ड आया, रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो वेकेशंस ही वेकेशन है, हर तरफ गाड़ी एकदम लगी हुई है। और ये आ रहा है रानिया को लेकर, आराम आराम चलो। तो हम ये बता रहे थे कि हम लोगों ने कार रेंट पर ली है देहरादून से, और अब मसूरी जा रहे हैं, और उसका रेंट का यही सिस्टम है कि आप या तो ड्राइवर के साथ ले सकते हैं, या आप अगर ड्राइव करना जानते हैं तो विदाउट ड्राइवर कार रेंट पे आपको मिल जाती है। और सारी कारों के जैसे जो मॉडल अलग अलग होते हैं, लग्जरी कार हो गई या सिंपल हो गई, जो भी कार होती हैं सब के रेंट पर डे के हिसाब से होते हैं, जो अलग होते हैं। तो आप अपनी सहूलियत या अपने कितने लोग हैं, तो हम लोग 5 लोग थे, तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये कार बुक करी जो काफ़ी अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गए, और हमज़ा ने कार ड्राइव करी। और बस यही बताना था आप लोगों को, तो जस्ट डायल पे सबके नंबर हैं, वहाँ से पिक करिए नंबर और कहीं घूमने निकल जाइए। अच्छा, इस कार लेने से या जो बाई रोड जाते हैं, खैर वो तो अलग बात हो गई, तो एक तरह से ये हम लोगों के लिए भी बाई रोड ही रहा कि देहरादून से मसूरी की तरफ पूरा टाइम हम लोगों के पास रही कार। अभी जो कार हो रहा है कानपुर की स्पेलिंग बताओ, बताइए। तो भाई हम लोगों ने कानपुर बाद में देसी लोग आए तो बोले कानपुर, कानपुर से वहाँ पे जाओगे तो जब एंट्री करोगे कानपुर में कानपुर में मिल है, मिल पे बड़ा बड़ा लिखा है कानपुर। एक्चुअली में जो ने मतलब जो नाम होगा जो भाई ब्रिटिश ने रखा होगा। हम तैयार हैं बुलेट से लद्दाख के लिए, थोड़ा स्लो करो। वो आ गया मसूरी, आई एम कमिंग। इतना जाम, पौन घंटे हम लोग जाम में थे, आगे भी गाड़ी है पीछे भी गाड़ी है, बस रिजल्ट निकालना देखते हो। होटल की तलाश में निकले, कहाँ जाते हैं नहीं पता। दो तुम लोगों का नीचे है और 3 डबल ट्रिपल बैच हम लोग का दो है। और चलो अपना लुक का दिखाते हैं हमें मेरा। तो हम लोग आ गए हैं अपने होटल में, अच्छा है। हम लोग का नीचे ये फुल चल रहा है, सीजन है, जो हमें चाहिए था अच्छा साफ सुथरा रूम। ये डबल है, ये आपका है? हाँ, ये मेरा, सब अच्छा है, और मिरर भी है यहाँ पर। चलो अपना उठा लो चले। क्या हुआ, कैसा लगा रूम? और ये हम हैं, यू लव इट, लव इट, यस आई वॉन्ट दिस रूम, बट यस दिस इज द, यस आई कांट, मुझे ऐसे चाहिए था। हमने पता है सबसे पहले उसने वही वाला दिखाया, तो हमने उससे कहा कि पहाड़ वहाड़ तो भैया दिख नहीं रहे, कल यूँ झाँक कर देखिए। फिर हमने कहा ठीक भैया, फिर वो नीचे ले गया, हमने कहा है देखो, ITBP
पी, और नीचे जो है वो देहरादून है रानिया नीचे। हाँ व्यू बहुत अच्छा है, रात में तो और खूबसूरत दिखेगा। तो मम्मी इस रूम का इतना सही है फिर। हाँ मॉल रोड। हाँ और अभी हम देख लेंगे कि यहाँ पास में क्या। हाँ तब घूमते हैं। तो ये भाई हमजा रमशा और रानिया का रूम है, ये लोग बहुत खुश हुए हैं। और ये है मिरर मिरर, और ये है वॉशरूम। अच्छा है, नीट एंड क्लीन जैसा होना चाहिए। है टॉवल तो होगी कवर्ड में, दो हैं तो ले लेना। और वो और ये है हम लोगों का रूम, और ये है मिरर, और ये है वॉशरूम। चलो इसमें भी मिरर है, मिरर मिरर इन द वॉल। चलो भाई अच्छा रूम है, ठीक है। और वो खड़े हैं हमजा पार्किंग में, गाड़ी पार्क वर्क करवा रहे हैं। हमजा इधर, हमजा हमजा हाँ जैसा होगा बताएंगे। थैंक यू। हम लोगों की चाय आ गई है, और हम लोग आज चाय जो है शाम की धूप में पी रहे हैं, और मसूरी में शाम की चाय पी रहे हैं। खांसी आपको आ रही है? ऐसे ही बहुत हो जाता है क्लाइमेट चेंज में, और हम लोग को पानी से बहुत प्रॉब्लम है, मतलब ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। पेट में तो हो मतलब है ही है, लेकिन खांसी और गले में जो प्रॉब्लम खांसी वगैरह होती है उसको हमजा फॉरन मेडिकल स्टोर गया, उसने दवा ली। वो पहाड़ों पे चढ़ो तो कान वगैरह जो बंद होते हैं किसी के खुल जाते हैं, गले में प्रॉब्लम, तो वो एक नॉर्मल है। लेकिन हाँ दवा लाए हैं हमको, इससे पहले जब नैनीताल गए थे तो वॉमिट जाने आने दोनों में हुई, कभी नहीं हुई ज़िंदगी में। तो इस बार हम जो हैं वो टैबलेट, वो होता है ना मोशन सिकनेस, उसकी टैबलेट लेकर आए थे हमने और रानिया ने, दोनों ने खा के मैंने कहा अच्छे से सब करो, जा रहे हैं एंजॉय करने। लेकिन बहुत देर हो गई, अब हो रहा होगा 6:15, मतलब इस टाइम हम लोग रूम में। अब देखते हैं शाम में कहाँ जाना है, अभी तो आज तो मेरे हमें लगता नहीं कहीं जा पाएंगे, क्योंकि 1-2 घंटा रेस्ट बहुत ज़रूरी है। सुबह से ट्रेन फिर कार, हमजा ड्राइव कर रहा था, चाहे ये करे बैठे बैठे तो आदमी थक ही जाता है। चलिए फिलहाल के लिए हम चाय एंजॉय करते हैं सनसेट के साथ, धूप है हाँ, लेकिन अच्छी लग रही है यहाँ पे खूब धूप।